बिहार के सरकारी अस्पतालों में कोरोना की जांच के दौरान गड़बड़ी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में एक और मामला छपरा से सामने आया है, जहां आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष लाल बाबू यादव की कोरोना रिपोर्ट एक अस्पताल में पॉजिटिव मिली तो दूसरे अस्पताल में जाते ही वो नेगेटिव हो गई। दरअसल आरजेडी नेता छपरा अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही काफी परेशान हो गए और स्वास्थ्य विभाग भी उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें एम्स में रेफर कर दिया, जिसके बाद एम्स प्रशासन ने छपरा की रिपोर्ट को सही नहीं माना और लाल बाबू यादव की रिपोर्ट फिर से जांच की गई, जहां उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस घटना ने छपरा सदर अस्पताल में किए जा रहे जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तमाम जांच रिपोर्ट की असलियत पर लोगों को संदेह होने लगा है। आपको बता दें कि छपरा सदर अस्पताल की कार्य प्रणाली पहले से ही सवालों के घेरे में रही है और यहां व्याप्त कुव्यवस्था पर भी आरजेडी नेता ने गंभीर सवाल खड़ा किया है। न्यूज डेस्क।